इस मूवी का नाम वीरमवुड अपोक्लीप्स है। मूवी की शुरुआत ब्रूक नाम की एक लड़की से होती है जो काफी हद तक जॉम्बी में बदल गई थी। उसके साथ उसका भाई भी है। ये काफी बुरी तरह से किसी को मार रही होती है, तभी एक लड़की इसे रोकने की कोशिश करती है पर ये गुस्से में इसे भी काट लेती है। लड़की की बहन जिसका नाम मैक्सी है उस पर तीर से वार करती है लेकिन उसका भाई तीर को रोक कर उसे बचा लेता है। वह उसे ब्लड देता है जिससे वह नॉर्मल होने लगती है। ब्रूक के अंदर एक एबिलिटी है जिसकी वजह से ये ना तो पूरी तरह से जॉम्बी है और ना ही पूरी तरह से इंसान है, क्योंकि ब्रूक किसी के काटने की वजह से जॉम्बी नहीं बनी थी बल्कि उसके ऊपर एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके पास एक और पावर भी है कि ये सभी जॉम्बीज को अपनी माइंड से कंट्रोल कर सकती है। फिर हम एक सोए हुए सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम रीस है। ये उठता है और एक्सरसाइज करने के बाद एक पीली गोली लेता है। ये दवा जॉम्बी से इन्फेक्ट होने से बचने के लिए थी क्योंकि जॉम्बी वायरस काटने से ही नहीं बल्कि हवा से भी फैलता था और ये पीली गोली हवा वाले वायरस से बचाता है। घर से बाहर निकलता है और बाहर आते ही कुछ जॉम्बी को शूट कर देता है। इसने अपनी डेली जरूरतों के लिए जॉम्बीज को काम पर लगाया है। एक जॉम्बी को साइकिल के पैडल से बांध रखा है जिसके सामने जब ये मांस रखता है तो वह साइकिल चलाने लगता है जिससे खेत में पौधों के लिए पानी आने लगता है। इसने कई जॉम्बीज को एक रूम में बंद कर रखा है जिनके सांसों से निकलने वाले गैस से ये बिजली बनाता है क्योंकि जॉम्बी की सांसें और ब्लड फ्यूल की तरह काम करती है। जब तक ये जिंदा रहते हैं इनके मुंह से ये गैस निकलती रहती है। रीस ने खुद को फिट करने के लिए भी एक जॉम्बी को बांध रखा है जिससे वह बॉक्सिंग करता है। फिर रीस अपनी गाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है जहां उसे एक आदमी बाइक से आता दिखाई देता है। रीस उसे अपनी गन से शूट करके गिरा देता है। ये एक हाइब्रिड जॉम्बी है यानी आधा जॉम्बी है और आधा इंसान। रीस इसे पकड़ लेता है और इसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है जो इन हाइब्रिड जॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह बदले में रीस को वही पीली गोली दिया करता था। डॉक्टर रीस को एक फोटो देता है। फोटो में ब्रूक के साथ मैक्सी और उसकी बहन भी थी। डॉक्टर उसे उन्हें पकड़कर लाने के लिए कहता है। रीस फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्सी अपनी बहन के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसकी बहन जॉम्बी में बदलने लगती है। मैक्सी उसे ब्लड देती है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। तभी अचानक रीस इन पर हमला कर देता है और इनकी गाड़ी को उड़ा देता है। मैक्सी वही बेहोश हो जाती है। मैक्सी की बहन गाड़ी से बाहर आकर रीस पर हमला कर देती है पर रीस उसे मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। मैक्सी को जब होश आता है तो उसकी बहन उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक हाइब्रिड जॉम्बी को मार कर उसके ब्लड से एक सीरम बनाता है और एक इंजेक्शन से खुद में इंजेक्ट करता है। वह कर्नल को भी वही सीरम देता है क्योंकि ये दोनों जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। फिर हमें रीस को दिखाया जाता है जो मैक्सी की बहन को डॉक्टर के पास ले जा रहा है। तभी वह रीस पर हमला कर देती है लेकिन रीस उसे बेहोश कर देता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ वह जॉम्बी में बदलने लगती है और सैनिकों पर हमला कर देती है। रीस उसे ब्लड पिलाता है जिससे वह नॉर्मल हो जाती है। वह उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि इसे पता नहीं था कि कर्नल और डॉक्टर हाइब्रिड जॉम्बी को मारकर अपने लिए सीरम बना रहे थे। वह कर्नल से कहता है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए पर कर्नल उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। रीस वहाँ से निकल जाता है लेकिन रस्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि जिस जॉम्बी के गैस से गाड़ी चल रही थी उसके अंदर अब जान नहीं बचा था। रीस उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है और मांस का टुकड़ा दिखाकर एक नए जॉम्बी को बुलाता है। उसके पैर में गोली मारकर वह उसे फ्यूल की जगह यूज करने लगता है और गाड़ी ऑन करता है। तभी चुपके से मैक्सी भी उसकी गाड़ी पर चढ़ जाती है। रीस गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे पीली दवा मिलती थी और एक बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। मैक्सी की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके पास डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर का हाथ अपने आप हिलने लगता है क्योंकि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिया था उसका असर खत्म हो गया था, इसलिए एक हाइब्रिड जॉम्बी उसे कंट्रोल करने लगता है। पर डॉक्टर उस जॉम्बी को मारकर उसके ब्लड से सीरम बना लेता है। फिर हमें रीस को दिखाया जाता है जिसके घर के पास बहुत सारे जॉम्बी आ गए हैं। रीस तेज लाइट ऑन करता है जिससे जॉम्बी भाग जाते हैं। वह घर के अंदर जाकर उस बॉक्स को चेक करता है जिसमें बहुत सारी पीली दवा थी। फिर वह एक ऑडियो ऑन करता है और सो जाता है पर तभी अचानक कोई लाइट बंद कर देता है। रीस बाहर निकलता है और लाइट्स को फिर से ऑन करता है लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता। पर जैसे ही रीस घर के अंदर आता है तो उसके सामने मैक्सी होती है। उसके पास गन है और वह रीस को शूट करके बेहोश कर देती है। मैक्सी रीस को गन दिखाकर उसे उसकी बहन के पास चलने के लिए कहती है तो रीस उसकी बात मान लेता है लेकिन रास्ते में रीस मैक्सी को गाड़ी से गिरा देता है और उसे बांध कर डॉक्टर के पास ले जाता है। पर यहाँ रीस और कर्नल की लड़ाई हो जाती है। रीस कर्नल पर शूट कर देता है और मैक्सी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कर्नल के लोग इनका पीछा करते हैं, ये इनकी गाड़ी को उड़ा देते हैं। मैक्सी गाड़ी से कूद जाती है लेकिन रीस को कर्नल पेड़ से लटका देता है और जॉम्बीज के खाने के लिए छोड़ देता है। बहुत सारे जॉम्बीज उसके पास आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश
करते हैं। रीस अपने पैरों को उठाकर उनसे बचने की कोशिश करता है, तभी अचानक से सारे जॉम्बी रुक जाते हैं क्योंकि ब्रूक अपने माइंड से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। रीस को बचाने के बाद ब्रूक और उसका भाई उसे पकड़ लेते हैं और उससे मैक्सी की बहन के बारे में पूछते हैं। रीस उन्हें बताता है कि वो हाइब्रिड जॉम्बीज को पकड़कर एक डॉक्टर के हवाले करता है जो इस जॉम्बी वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। रीस सभी को वहां ले जाता है जहां से उसे वो पीली गोली मिलती थी। यहां पीली गोली अभी भी बनाई जा रही थी और ये गोली उन हाइब्रिड जॉम्बीज के आर्गन से बनाया जा रहा था। यहां एक आदमी से रीस को पता चलता है कि डॉक्टर वायरस का एंटीडोट नहीं बना रहा था बल्कि वह तो खुद को बचाने के लिए हाइब्रिड जॉम्बीज को मारकर उनके ब्लड से सीरम बना रहा था। यह जानकर रीस को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को वही मार देता है। अब सभी लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहां ब्रूस जॉम्बीज को कंट्रोल करके डॉक्टर के सैनिकों पर गोलियां बरसाती है। वह जॉम्बीज पर बम लगाकर उन्हें अंदर भेजती है और जॉम्बीज जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं वह उन्हें ब्लास्ट कर देती है। फिर मैक्सी अंदर जाती है और एक टनल से कंट्रोल रूम में जाकर वहां बैठे सैनिक को मार देती है और फिर दरवाजा खोलती है जिससे सभी लोग अंदर आते हैं। सभी को मारने के बाद ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहां एक खतरनाक जॉम्बी बाहर निकलता है जिसे डॉक्टर कंट्रोल कर रहा था। वहां के सभी जॉम्बीज को कंट्रोल करके ब्रूक उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन ये बहुत ताकतवर है, ये सभी को मार देता है। फिर ये ब्रूस को मारने वाला होता है। तभी मैक्सी की बहन डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और उसे जान से मारने वाली होती है पर डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। डॉक्टर जॉम्बी को फिर से कंट्रोल करने लगता है। वह ब्रूस का गला पकड़कर उसे लटका देता है लेकिन ब्रूस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। इधर कर्नल रीस और ब्रूस के भाई को मार रहा था, वे इसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। कर्नल इन्हें मारने वाला होता है। तभी मैक्सी आकर उसके सिर को उड़ा देती है लेकिन जब ये लोग ब्रूक के पास जाते हैं तो वह जॉम्बी में बदल गई होती है। मैक्सी उससे बचने के लिए खुद को बंद कर लेती है। उसे रोकने के लिए उसका भाई उस पर हमला करता है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता और वो उसे काट लेती है। फिर जब मैक्सी उसके मुंह पर ब्लड फेंकती है तो वह नॉर्मल होने लगती है। डॉक्टर पूरे लैब को ऑटो ब्लास्ट मोड पर डाल देता है और मैक्सी की बहन को लेकर बाहर भाग जाता है। ब्रूस और उसका भाई वही रुकते हैं और मैक्सी और रीस को बाहर जाने में हेल्प करते हैं। ये दोनों बाहर चले जाते हैं और लैब ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर मैक्सी की बहन के शरीर से ब्लड निकाल रहा होता है। तभी उसके पास के सैनिकों को पता चल जाता है कि डॉक्टर भी एक जॉम्बी है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें गोली मार देता है जब तक रीस वहां पहुंचता है। डॉक्टर मैक्सी की बहन के शरीर से काफी ब्लड निकाल चुका होता है। डॉक्टर और रीस की लड़ाई होती है। डॉक्टर रीस को जान से मारने वाला होता है। तभी मैक्सी की बहन एक मेटल रॉड से उसे मार देती है और फिर उसकी शरीर को बहुत बुरी तरीके से नोच देती है। वह रीस की ओर जाती है, उससे ब्लड लेकर पी लेती है जिससे वह नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर अभी भी थोड़ा जिंदा था इसलिए रीस उसे गोली मार देता है। रीस खुद को भी मारने वाला होता है क्योंकि वह भी जॉम्बी बनने लगा था पर मैक्सी और उसकी बहन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसे पीली दवा देकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि ब्रूक और उसके भाई को ब्लास्ट में कुछ नहीं हुआ, वे अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।